धन्यवाद डॉक्टर निर्वाण गांगुली जी। एक तो ये विषय ऐसा है कि जिस पर मुझे लगता है कि हम लोग लंबी चर्चा कर सकते हैं, और मैं भी जब शशि जी को सुन रहा था, फिर अनंत जी को सुन रहा था, तो मैंने कुछ ऐसे ही बैठे बैठे पॉइंट बनाना शुरू किया। तो वैसे तो ये विषय ऐसा है जिस पर हम में से ज़्यादातर लोग किसी भी वक्त बात कर सकते हैं, लेकिन जब मैं वो पॉइंट बनाने लगा तो मुझे लगा कि 2-3-4 घंटे की बहस उस पर हो सकती है, चर्चा हो सकती है। एक्चुअली यस यस, क्यों हो सकती है? क्योंकि दरअसल हम लोग किसी एक सिरे को पकड़ रहे हैं तो उसके बगल बगल में पूरा गोला तैयार हो जा रहा है, सर्किल तैयार हो जा रहा है। और अभी टाइम मैगजीन की बात की, नोबल पुरस्कारों की बात की, और गंगा में लाशों की बात की। तो अब गंगा की बात करते हैं तो मनोज राजन जी बैठे हैं कानपुर से, संयोगवश मैं प्रयागराज से, और प्रयाग में भी चूँकि जिसको कहते हैं ना कि हमारा घर, तो हम लुढ़क जाएं अपने घर से तो गंगा में गिरेंगे, 500 मीटर भी नहीं। और जिस जगह की बात की गई श्रृंगवेरपुर फाफामो की, वो हमारे घर से 30 किलोमीटर। अब दो तरह की रिपोर्टिंग होती है। एक रिपोर्ट वो है कि कोई बड़ा रिपोर्टर आएगा जो किसी वेस्टर्न मीडिया पब्लिकेशन का होगा, वो भारत देखने चलेगा, भारत में कोविड के टाइम पे चलेगा और उसको ये लाशें दिखेंगी, तो उसको रिपोर्ट बड़ी नेचुरल है, बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन भारत के मीडिया हाउसेस के जिनके एडिशंस हैं, जिनके वहाँ रिपोर्टर्स हैं, जिनके वहाँ संपादक हैं, जब वो उसको एंडोर्स करते हैं तो ये वाला मसला खतरनाक हो जाता है, जो मीडिया बायस है, जो नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया क्रिएट करता है। दूसरे रिपोर्टर वो हैं जो नया रिपोर्टर है, जिसको संपादक ने कहा कि टाइम्स में छपा, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया, वॉशिंगटन पोस्ट में छप गया, रिपोर्ट लेके आओ। तो वो वहाँ जाके लोकल लोगों से बात करता है, उनकी कहानी छापता है, फोटो खींचता है, और उसके आधार पर जो हमारा अपना देसी मीडिया है, घरेलू मीडिया है, उसमें वो स्टोरी एस्टेब्लिश करता है। मैं नाम नहीं लूंगा अखबार का, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। लेकिन वो रिपोर्टर जिसको समझ ही नहीं है गंगा के किनारे की, वो रिपोर्टर जिसको पता ही नहीं है, और मैंने तो उसी वक्त जब बरखा दत्त भी पहुँच गई और उन्होंने भी नाव कर लिया और वो कहें कि हम देखिए किनारे किनारे कर रहे हैं, तो संयोग उस वक्त मैं इलाहाबाद में ही था, तो मैंने वहीं से कहानी की और पूछा कि संगम से लेकर फाफामऊ तक का ये जो पूरा इलाका है, वहाँ आप अगर एक लाश किसी जगह किसी रेती में गड़ी हुई दिखा दें, एक लाश। लेकिन जब फाफामऊ से आगे बढ़ते हैं जिस रेलवे ब्रिज के किनारे की, तो वहाँ सामान्य दिनों में भी, और जो अनंत जी ने कहा, दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश के संपादक आशुतोष शुक्ला ने बाकायदा कहानी लिखी थी कि क्या क्या कौन कौन सी जगह पे होता है। श्रृंगवेरपुर में आज भी आप जाएंगे तो वो कुछ संख्या में लोग दिख जाते हैं, कुछ की परंपरा है, कुछ की आर्थिक स्थिति नहीं होती, कुछ लोग मानते हैं कि गंगा में जाएंगे तो वो सीधे मोक्ष की तरफ, स्वर्ग की तरफ जाएंगे। अब ये नैरेटिव अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे, अल जजीरा में छपे, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे, तो हम लोगों को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको समझ नहीं है, वो मूर्ख लोग हैं, विवेकहीन लोग हैं, शून्य समझ रखने वाले। लेकिन अगर भारत का कोई बड़ा पत्रकार, भारत का मीडिया हाउस कर रहा है, तो हमें उसकी चिंता होनी चाहिए, उसको काउंटर करना चाहिए, वेस्टर्न मीडिया को कोट नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जब हम कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव कैसे क्रिएट किया जाता है, तो मेरा ये मानना है, और ये मैं बार बार कहता रहा हूँ, आज जो ये बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल है, हाउ वेस्टर्न मीडिया बायस अगेंस्ट इंडिया कैन बी करेक्टेड, ये शशि जी का लेख जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा, अब मैं इस पर कहता हूँ कि 5-6 नाम आप याद कर लें, यूनाइटेड नेशंस, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल अवार्ड्स, वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न थिंक टैंक, इनको आप देखने का नज़रिया बदलिए, तभी ये जो वेस्टर्न मीडिया का बायस है भारत के अगेंस्ट, वो करेक्ट हो सकता है। वरना अगर आप उनकी रिपोर्ट के हवाले से कुछ देखेंगे तो आपको हमेशा मुश्किल होती रहेगी। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है, मैं उसको उस रिपोर्ट के हवाले से ही कुछ एक दो बातें करूँगा। अभी आई है IMF की रिपोर्ट, अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसके पॉइंट्स निकालकर, और भारत में डिलीवरी सिस्टम को आज भी कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन मार्क खड़ा करें। कमाल की बात यह है कि उसी IMF के डायरेक्टर एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट हैं कृष्णा श्रीनिवासन, वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज स्लोइंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इंडिया इज डूइंग बेटर एंड इज इन ए रिलेटिव ब्राइट स्पॉट कंपेयर टू द अदर कंट्रीज इन द रीजन। भारत के कितने मीडिया हाउस ने इस बात को उठाया,
और उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो 2021 में 8.5% की ग्रोथ थी वो 22 में भी 6.8% रहेगी। और 6.8% कब रहने वाली है? जब दुनिया के सभी देशों की एवरेज ग्रोथ रेट बिलो 3% होने वाली, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा और जरूरी है, जब हम कोविड की बात करते हैं और कोविड के समय में हम कहते हैं कि कैसे अलग अलग देशों ने, चूंकि हम डेमोक्रेसी नैरेटिव की बात कर रहे हैं तो डायलॉग प्लस डिलीवरी, मेरे नज़र में डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो लीडरशिप है वो कितना डायलॉग कर पाती है, यानी डायलॉग करेगी तो ये टू वे प्रोसेस होगा, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, नहीं तो वो तो फिर मोनार्की हो जाएगी, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो वो कितनी बात करते हैं और उनकी बात के आधार पर कितनी डिलीवरी करते हैं, इसी से ट्रस्ट आता है, इसी से जो बीच में लोग होते हैं वो आउट होते हैं, वही डिटर्मिनेशन है, वही आपका डेडिकेशन है जो डिलीवरी को एक कहे कि उस जगह पे पहुंचाता है। कैसे वो फर्क पड़ता है, पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री, वो कहां से चुनाव लड़ते थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम था शिवगंगा, लोकसभा के सांसद थे। संयोगवश 2014 तक, जब तक मैं रिपोर्टिंग करता था, और चूंकि 2010 में जब CNBC आवाज मैंने छोड़ा तो एक समय मन हो गया कि नहीं अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करेंगे, उसी वक्त तय कर लिया था जब मुंबई से मैं दिल्ली आया, लेकिन कुछ वजहें हो गई, घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया, तो फिर मैंने कहा क्या करें, क्योंकि फ्रीलांस जर्नलिज्म करते बड़ी मुश्किल होती थी, 40,000 रुपये कमाना भी मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं कुछ दिन और काम करते हैं। तो उसी वक्त एक ऑफर आया और एक चैनल था, तो उसमें मैं करीब 5 साल रहा बिजनेस एडिटर के तौर पर P7 न्यूज़ चैनल में। तो मेरा जिम्मा यही होता था, क्योंकि जनरल न्यूज़ चैनल था तो बिजनेस के आदमी को बहुत दिक्कत नहीं होती थी, आसानी से हम खबरें करते थे, आसानी से बैठते थे, तो दो जगह हम खूब जमकर बैठते थे, एक जगह होती थी फाइनेंस मिनिस्ट्री, दूसरी जगह होती थी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। अब आप में से कितने लोगों को ध्यान में होगा कि उस वक्त डायनेमिक प्राइसिंग की शुरुआत हो रही थी और मीडिया की खबर का बड़ा हिस्सा इसी पर जाता था कि आज कितनी कीमतें घट रही हैं, आज कितनी कीमतें घट रही हैं, जो ग्लोबल बास्केट है उसमें क्या कीमत है, सिंगापुर से खरीद रहे हैं, क्या ओपेक कंट्रीज करेंगी, कैसे होगा, इसी पर जो हमारा पेट्रोलियम बीट का रिपोर्टर होता था उसका जीवन इसी पर जाता था। उसी वक्त मोंटेक सिंह अहलूवालिया वो नीति आयोग में थे, उपाध्यक्ष थे, तो उन्होंने क्या एक कहा, वो योजना आयोग था उस वक्त, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि 10 लाख से ऊपर की आमदनी वाले को LPG सब्सिडी नहीं देंगे। और चिदंबरम साहब वित्त मंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या चाहते थे, सबका बैंक खाता खोल देना चाहते थे। मैं डेमोक्रेसी नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, डायलॉग प्लस डिलीवरी। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक चाहती है कि उसका नेता उससे झूठ नहीं बोले, ट्रस्ट बने, और जब वो एक पैसा निकाल कर दे रहा है तो वो कहाँ पहुंच रहा है। अब राजीव गांधी वाला बयान बार बार क्या बताना कि 1 रुपए में 85 पैसा तो गायब हो जाता है, नहीं डीलर ले जाते हैं जो बीच वाले होते हैं, वो डीलर गायब हो गया। अब ये डायलॉग प्लस डिलीवरी का मसला ये कि शिवगंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वित्त मंत्री चिदंबरम खाता नहीं खोल पाते हैं, स्कीम फ्लॉप हो जाती है, UPA के समय में खत्म हो जाता है किस्सा, और कहते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, जो आज जनधन खाते को कह रहे हैं कि ये तो बड़ी खराब स्कीम। दूसरा, जैसे ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने वो प्रपोजल मूव किया, तुरंत मीडिया चैनलों ने TV चैनलों पर फ्लैश हुआ, और उसके 2 घंटे बाद सरकार का स्पष्टीकरण आ गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ये क्या था, चूंकि ये डर था पिछले दरवाजे से स्कीम्स को लागू करने की कोशिश, चूंकि आप डायलॉग कर ही नहीं रहे, आप पब्लिक से बात कर ही नहीं रहे, उनके बीच में भरोसा नहीं। आज चूंकि हम जो बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर हम कुछ भी कह लें, सीधे सीधे बात करने की जरूरत है, ये 8 सालों के लिहाज से ही सारी डेमोक्रेसी डेंजर में है, सारा कुछ नैरेटिव गड़बड़ है, तो वो बात करने की जरूरत है। तो 8 सालों में क्या हो गया, 2014 के बाद इस देश में 10 लाख से ऊपर वालों ने अपने आप सब्सिडी छोड़ दी, अपने आप छोड़ दी, मोर देन 36 करोड़ जनधन खाते खुल गए, और जिनको कहा जा रहा था कि इन जनधन खातों से होगा क्या, उन जनधन खातों के जरिए जब कोविड का टाइम आया तो सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को, जिनको डेमोक्रेसी में कहा जाता है मार्जिन पे लगे खड़े लोग हैं, पुअर पीपल हैं, जिनके पास कोई तरीका नहीं है, ये कहां आपको किस जगह नैरेटिव में छपा हुआ दिखा। और अगर वेस्टर्न मीडिया नहीं छाप रहा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ वेस्टर्न मीडिया की जो अनंत जी ने शब्द इस्तेमाल किया उसको, और हैसियत नहीं है भारत को जज करने की, एसेस करने की हैसियत में नहीं है वो,
उनकी आदत ही नहीं हो। 30-32 करोड़ के अमेरिका को जज करते हैं, एसेस करते हैं, जहां सब दुनिया भर से लूटा हुआ माल है, वो उस ब्रिटेन को जज करते हैं, एसेस करते हैं, जहां पहले से सब कुछ है। वो उस यूरोप की बात करते हैं जहां लोग नहीं है। अब वो जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, तो वहां इमैनुअल मैक्रॉन पैदा होते हैं, वहां इटली में नई प्राइम मिनिस्टर आती है तो बोलती है। भारत इन चुनौतियों से आफ्टर 1947 एवरी डे जूझ रहा है, और उसके बाद हमारी डेमोक्रेसी की ये ताकत है, हम ये डिलीवर करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी आज ये कहती है दुनिया में कि सबसे बड़ी समस्या होगी तो कहां देखना है, भारत की तरफ देखना है। कैसे? जब ये कहा गया कि सप्लाई चैन मिसमैनेजमेंट की वजह से दुनिया भर में हर तरह की समस्या होने वाली है, दवा की, टेक्नोलॉजी की, कार की, मोबाइल की, जो अस्पताल है उसमें लगने वाले उपकरणों की, और यहाँ तक कि हमारे मीडिया की, उस वक्त आपको हेडलाइंस याद नहीं होंगी, वेस्टर्न मीडिया ने एक स्टोरी की कि भारत में तो लोग तड़प तड़प कर इसलिए मर जाएंगे क्योंकि यहाँ तो वेंटिलेटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो वेंटिलेटर बनाने वाली टॉप 20 कंपनीज हैं उसमें से ज़्यादातर चाइना में है, और वेंटिलेटर में 1000 तरह के जो सामान लगते हैं उसमें से ज़्यादातर यूरोप से आते हैं। जो हमारा API है, जो दवा हमें चाहिए, वो तो सब कुछ आता है चाइना से या दूसरे देशों से आता है, और कहा गया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, बावजूद इसके कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा फैक्ट्री हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास वो ताकत थी। लेकिन ये नैरेटिव खड़ा कर दिया गया और एक फियर साइकोसिस पैदा हो गई। दुर्भाग्य ये कि वेस्टर्न मीडिया करता तो कोई बात नहीं, हमारे अपने बड़े बड़े संपादक टीवी पर बैठकर ज्ञान दे रहे थे, वो भूल गए कि अरे अगर चाइना दुनिया भर से छोटी छोटी चीजें मंगा के असेंबल कर सकता है तो हमारा अहमदाबाद का कारोबारी कैसे नहीं करेगा। अहमदाबाद के कारोबारी में 5 लाख में बना के दिखा दिया, और जब वो बना के दिखाया और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब मीटिंग ली गई तो उसके बाद ये जो कंपनियां थी, जो कार कंपनियां थी, इन्होंने कहा कि हम बना के दे देंगे, भाई इसमें फर्क क्या पड़ता है, वो चीज हम बना रहे थे, थोड़ा हम चेंज कर देंगे उसको। इतना ही नहीं हुआ, जब भारत ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमको दवा नहीं मिलेगी, हमारे पास वैक्सीन नहीं आएगी, हम लाइन में खड़े होंगे, कतार में खड़े होंगे, कह रही ये तो कहीं है ही नहीं है, बुकिंग नहीं कराई है, कितना कुछ कहा गया उस वक्त। पता चला कि जब वो कह रहे थे बुकिंग नहीं कराई गई है, तब हमारा ICMR, हमारे देश की कंपनियां और सीधे PMO की मॉनिटरिंग में। उस वक्त मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री गए और कहे कि वो हैदराबाद जाएंगे कृष्णा अल्लाह के यहाँ, वो जाएंगे पूनावाला के यहाँ, तो सब कहा गया ये इवेंट मैनेजमेंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। जब 3,500 करोड़ की क्रेडिट लाइन खोल दी तो उन्होंने कहा कह रही ये तो देरी से किया गया फैसला है। हम लोगों ने जिस तेजी में इसको, इस बड़े मसले को सॉल्व किया, ये दिखाता है कि चाहे वो डिक्टेटरशिप चाइना हो या डेमोक्रेसी का आवरण ओढ़े छद्म लोकतंत्र वाले अमेरिका और यूरोप हो, ब्रिटेन हो, 700 रुपया हमारे यहाँ का स्वास्थ्य का खर्च है, 700 पर पर्सन, 10,000 रुपया खर्च करते हैं यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, ब्रिटेन के लोग, इटली में 7,000 रुपया खर्च होता है, अस्पतालों में लाइन लगी रही, लाशों की कतार लगी रही, और JCB से अमेरिका में लाशें खोद खोद कर वहां तक ले जाई गई। वो दृश्य ऐसे थे जिसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नहीं छापा, और अच्छा है हम नहीं देखते, हम बुरा कम देखते हैं, हम कहा जाता है ना कि हम लोग थोड़ा बुरा कम देखते हैं, लेकिन ये सब हम देख रहे थे, और दुनिया ने देखा कि जब अमेरिका में कोविड खत्म हुआ तो पता चला कि वहां के किसी गवर्नर ने एक रूल लगाया था, दूसरे गवर्नर ने दूसरा रूल लगाया था, तीसरे गवर्नर ने तीसरा रूल लगाया था, और दे आर नॉट रेडी टू शेयर देयर रिसोर्सेज। भारत में केंद्र सरकार जब तय करती थी तो वो ये नहीं देखती थी फेडरल स्ट्रक्चर में कि राजस्थान में वैक्सीन भले उन्होंने गाड़ दी जमीन में, लेकिन राजस्थान के किसी व्यक्ति को वैक्सीन मिलेगी ये तय हो जाता था, उसका कोटा उसको मिल जाता था। और मुझे लगता है कि दुनिया में डेमोक्रेसी के तौर पर कैसे हम डिलीवरी के, जिसको कहते हैं ना, पीक पे पहुंच जाते हैं, और वो डिलीवरी हमें याद है, बार बार स्नेक चार्मर की बात कर रहे थे अनंत जी, अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स में क्या होता है, आपने कितने लोगों को याद है पुरानी जितनी खबरें छपती थी तो उसमें भारत में दीवार पर पेशाब करता हुआ एक शख्स जरूर दिखता था और उस पर लिखा होता था यहाँ पर पेशाब करना मना है, बड़ी सामान्य सी चीज है, स्टीरियोटाइप था वो। और ये भारत के लिए एक पक्की वाली पिक्चर थी, कहीं भी खींच लो, कोई भी आया BBC का फोटोग्राफर आया, अरे भैया भारत में इतना कुछ है, कहीं और अच्छी तस्वीर खींच लो, नहीं वो वही वाली खींचेगा, वो दिल्ली से लेकर किसी एकदम किनारे के इलाके तक जाएगा तो वही खींचेगा। वो नैरेटिव उसको मिलना बंद हो गया,
उसको कश्मीर का नैरेटिव मिलना बंद हो गया। बीबीसी ने तो बाकायदा 7 days की प्रोग्रामिंग कर दी थी, बाकायदा 7 days की प्रोग्रामिंग कर दी थी हर दिन, लेकिन अब क्या करे, अब वहां फोटो खींचने जाता है तो उसको गो बैक इंडिया, इंडिया गो बैक जैसे नारे नहीं मिलते। अब उसकी मुश्किल है, और उसके साथ किसका गठजोड़ हो जाता है यहां पर आकर, जो भारत में बैठे कुंठित लोग हैं जिनको लगता था कि हम डेमोक्रेसी में गवर्न करते हैं, हम तय करते हैं। मैं पत्रकार हूं, धीरे धीरे 2.5 दशक हो ही गया है, और मैं ये मानता हूं कि पत्रकार बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पत्रकार जिस दिन ये भ्रम पालने लगे कि हम सरकार चलाते हैं, सरकार बनाते हैं, नेता बनाते हैं, इसका मतलब कि वो अपने जो काम वो कर रहा है उसके साथ धोखेबाजी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। और ऐसे बेईमान पत्रकारों ने उस वेस्ट के फ्रॉड नैरेटिव को भारत में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, और वो इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया कि उनको नहीं दिखता कि जब दुनिया बिलो 3% हो गई, हम 6.8% है, 8.7% है, फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% हमारी जीडीपी ग्रोथ है, हम दुनिया के सबसे बड़े, और जब मैं सबसे बड़े कह रहा हूं तो चाइना हमसे पीछे छूट रहा है, हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर होने जा रहे हैं। अभी हमारा हिस्सा कितना छोटा है, एक छोटा सा आपको आइडिया बताता हूं। जब iPhone 5SE का बेंगलोर में उत्पादन शुरू हुआ तो उस वक्त कहा गया कि कितना लेके आएंगे, तो मोबाइल चला बंद हो गया। अभी भारत में iPhone 10R बनता है, iPhone 11 बनता है, iPhone 12 बनता है, और अभी वर्ल्ड ग्लोबल लॉन्च के साथ साथ चाइना में प्रोडक्शन शुरू हुआ। विद इन अ मंथ भारत की जो कंपनियां हैं जिनका एप्पल के साथ करार है, वो भी iPhone 14 और iPad बनाना शुरू कर रही, और बनाना शुरू कर रही हैं, तो उसमें ज्यादातर यानी मोर देन 30% कंपोनेंट, यानी इनको जो वेंडर्स होते हैं, वेंडर मतलब जो उनको सप्लाई करेंगे, कोई भी एक इंडस्ट्री बसती है तो कोई कंपनी, बड़ी कंपनी आती है तो सब तो बना नहीं, लेकिन छोटे छोटे कलपुर्जे देते हैं बना के, वो सब कुछ यहाँ तैयार हो रहा है। लेकिन इस नैरेटिव को वेस्टर्न मीडिया बाय नहीं करता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका अपना, उसका बना बनाया एक जो साम्राज्य है। और मैं एक बात यहाँ और कहूँगा, हमारे लिए खतरा ज़्यादा है, हमारे लिए मुश्किल ज़्यादा है। शशि ने कहा ना कि इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, हमें इंस्टीट्यूशन के तौर पर लड़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें मैं एक बात और जोड़ता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने में इंस्टीट्यूशन की तरह काम करना शुरू कीजिए, इस पॉइंट्स को लिखना शुरू कीजिए, इन पॉइंट्स की बात करना शुरू कीजिए। आप सोचिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में सप्लाई चेन का कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो माइक्रोसॉफ्ट चीफ आके कहता है कि भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं, यूनिलीवर आके कहता है भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं। अब गूगल के पास तो कोई रास्ता ही नहीं, अगर वो कहते हैं कि हम भारत में 6800 करोड़ रुपए हमने कोविड के दौरान भारतीयों को कमा कर दिए, तो भैया आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आपके बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए दुनिया में कोई और जगह ही नहीं। तो ये विन विन सिचुएशन उनके लिए है, हमारे लिए भी है, लेकिन क्या उनके प्लेटफॉर्म पर हम अपने नैरेटिव को पुश कर पाएंगे? बिल्कुल पुश कर रहे हैं। 68% कंटेंट हमारी भारतीय भाषाओं का है, अंग्रेजों की तरह वर्नाकुलर नहीं बोलना है, हमारी भारतीय भाषाओं का 68% कंटेंट है। और जब YouTube की चीफ भारत में आती है तो वो बताती है कि 2016 में 1 million प्लस सब्सक्राइबर वाले 3 लोग थे यूट्यूबर, आज कितने हैं, आज वो संख्या 500 से ज्यादा है। ऐसा नहीं कि हम नैरेटिव बना नहीं रहे हैं, हमारे नैरेटिव के आधार पर दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है, बस हमको ये देखना है कि हम कौन से आंकड़े कहां इस्तेमाल करेंगे। जब कोई बताए तो उसको बताइए कि IMF के अभी के एशिया पैसिफिक डायरेक्टर या क्रिस्टीना लगाडे जो पहले चीफ थी, उन्होंने क्या बोला था, भारत अकेला नक्षत्र ऐसा चमकता हुआ तारा है जो पूरी दुनिया के अंधकारमय आर्थिक परिदृश्य को बदल सकता है। इस नैरेटिव को हम क्यों नहीं अपने आप आई कर पाते, क्यों नहीं हम उसको कह पाते? और मैं बार बार कहता हूं कि हम वेस्ट मीडिया का क्या कर लेंगे, उन लोग जेफ बेजोस के पैसे से चलेगा तो ठीक है, भारत में कहेंगे किसके पैसे से चल रहा है, ये कमाल की बात है। और कमाल की बात यह है कि एक बड़ी छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जिस NDTV की बात होती है, डॉक्टर रॉय तो ज्यादातर समय बाहर बैठे होते हैं, देश में तो होते ही नहीं है, ऐसे लोग भारत का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन जब वो जमीन पर उतरते हैं ना तो क्या होता है, उनको हर घर में उज्ज्वला गैस दिख जाती है। वो जाते हैं तो कहते हैं भैया ये घर अभी मिला है। और मैं आपको एक घटना बताऊं, 2017 के चुनावों के तुरंत बाद, थोड़े दिनों के बाद की बात है, मुझसे किसी ने बनारस से कहा कि अरे सर आप लोग तो पत्रकार हैं, बड़े आपके जुगाड़ होते हैं, हमारा घर टूट गया। उसने अपने घर की तस्वीर भेजी तो सचमुच उसका घर किसी लायक नहीं था,
मौर्या जी थे, उन्होंने कहा कि कुछ अगर हो जाए तो थोड़ा ये जो घर मिल रहा है इसमें थोड़ा लाइन आगे लग जाती है हमारी। हमने जो भी संभव था, बहुत ऐसे संपर्क हम लोगों के होते नहीं, लेकिन जो भी संपर्क था उनको मैंने भेजा, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में वो भिजवाया उसको पूरे डिटेल के साथ। वहाँ से क्या जवाब आया, 2011 सेंसस के आधार पर इस देश में शौचालय, इस देश में प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना, उज्ज्वला योजना, इस सब की डिलीवरी हो रही है। तो भैया ये 2014 के बाद ये पैरामीटर सेट नहीं हुए, और उसके बाद कहा गया कि न तो डीएम, न तो सीएम, न तो पीएम इस पैमाने को बदल नहीं सकता है, जिसका नंबर पहले है उसी का नंबर मिलेगा। ये संभव नहीं है कि आप जुगाड़ लगाकर आगे बढ़ जाएं। अब ये डेमोक्रेसी को डेंजरस तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि एकदम खतरनाक तरीके से पीड़ा में डालता है, क्योंकि जिन लोगों को आदत थी कतार में लगना नहीं है उनको तो दिक्कत होगी, वो तो इस नैरेटिव के खिलाफ होंगे, इसीलिए वो उस वक्त भी खिलाफ हुए जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी बारी आने पर मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। घर अपनी बारी आने पर मिलेगा, देश का प्रधानमंत्री भी अपनी बारी आने पर करेगा। बताइए ना, वीआईपी कल्चर खत्म हुआ या नहीं? और ये डेमोक्रेसी अगर नहीं है, इसीलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सिर्फ ओल्डेस्ट नहीं हैं, सिर्फ लार्जेस्ट नहीं है, हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, दुनिया हिल जाती है। क्योंकि उसके लिए ये बात सुनना समझना ये बड़ा खतरनाक तरीके से, क्योंकि उनकी तो सारी दुकान बंद हो जाएगी। सारा नैरेटिव जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के जरिए उन्होंने क्रिएट किया, खड़ा किया, जिसके आधार पर उनकी सारी दुकान चलती है, वो कॉन्फ्लिक्ट से डेमोक्रेसी चलाते हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट खत्म करके डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध होता रहेगा तो हमारे हथियार बिकते रहेंगे, रशिया यूक्रेन में एक के साथ खड़े रहेंगे, भारत कहता है हम दोनों में से किसी के साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन हमारे हित सबसे ऊपर होंगे। यूरोपीय यूनियन गैस लेता रहेगा, अमेरिका गैस लेता रहेगा, उनको डॉलर देता रहेगा रशिया को, और कहेगा कि नहीं भैया तुम डॉलर में खरीद मत करो। क्यों नहीं खरीदते? और इसीलिए जब डॉक्टर एस जयशंकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहते हैं कि भाई जितना हम महीने भर में नहीं लेते हैं उससे ज्यादा एक घंटे में तुम डॉलर सप्लाई कर दे रहे हो रशिया को, वो कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर दुनिया की कल्पना करते हैं। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है, वेस्टर्न मीडिया लपक लेता है, उसको लगता है अरे वाह ये तो रशिया के खिलाफ, यानी उनको वही बात ठीक लगी जहां किसी के खिलाफ कोई खड़ा होगा। और भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, एक शब्द है फ्रजाइल 5 to top 5, इकोनॉमी की बात मैं कर रहा हूं, देश के 10 बड़े उद्योगपतियों ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी नीति नहीं है, नीति में स्थिरता नहीं है, हम आज कुछ तय करते हैं आपकी पॉलिसी बदल जाती है। कौन था प्रधानमंत्री? बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। फ्रजाइल 5 इकोनॉमी हो गई थी। डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है कि जो लास्ट में खड़ा आदमी है, जिसको हम कहते हैं ना कि सबसे आखिर में खड़ा हुआ, जो दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन कहता है, वहां खड़ा हुआ आदमी, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे आगे वाले कुछ गड़बड़ कर देंगे या हमारे पीछे खड़ा आदमी कतार तोड़ के आगे चला आएगा। ये हमने कठिन से कठिन समय में इन 8 वर्षों के दौरान होता हुआ देखा। हमने इसको नोटबंदी के समय में भी देखा, हमने इसको कोविड के समय में भी देखा। और जो नैरेटिव की बात है, वो कहते हैं कि सीए का प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट, देखिए ये तो कोई रोक नहीं सकता है। लंबे समय से वो इसी से पुष्पित पल्लवित होते रहे, उनका जीवन इसी से है, लेकिन वो कमजोर हो रहे हैं, वो बुरी तरह से कमजोर हो रहे हैं। वो अगर अपने नैरेटिव पुश करने की स्थिति में नहीं है तभी वो वेस्टर्न मीडिया के शरण में जा रहे हैं। इसको इस तरह से भी देखना शुरू किया, हम दुनिया को नहीं देखते हैं, हमें भारत इतना चमकता हुआ दिखता है कि हम दूसरे को नहीं दिखते देखते हैं। हम चमक रहे इसलिए दुनिया हमको देख रही है, और उसको लगता है कि उसकी चमक ना फीकी पड़ जाए, इसलिए वो ये नैरेटिव सेट कर रही है। अब एक बात, ये खुद 5 अगस्त 2019 कश्मीर अब मिलता नहीं है। कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटा तो संयोगवश 10 और 11 सितंबर को हम लोग कुछ पत्रकारों के साथ गए श्रीनगर, वहां तब के गवर्नर सत्यपाल मलिक, आपने तभी कार्यक्रम कराया था, बड़ी अच्छी बात हुई, आईआईसी में हुआ था, सत्यपाल मलिक जी से हम लोग मिले। अब आज सत्यपाल मलिक जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। हम लोगों ने पूछा कि क्या आगे होगा, तो उनका पेट खराब था, बहुत परेशानी में थे, वो उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे, और ऐसे यू करते हुए बोले हमें क्या करना है, हम तो कुर्सी पर बैठे हैं, जो कुछ हो रहा है सब वहीं से हो रहा है। ये कहने वाला आदमी बताता है कि हमने कश्मीर में सब बदल दिया। अब इस नैरेटिव को आप किससे काउंटर करिएगा? उन्होंने जो लाइन बोली वो मैं दोहरा दे रहा हूं, क्योंकि ये मुझसे प्रधानमंत्री जी तो बोलने आए नहीं, ये सत्यपाल मलिक ने हमसे राजभवन में बोला था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है कश्मीर, हम उसे लेंगे, लेकिन वो वहाँ के लोग इस कश्मीर की चमक देखकर अपने साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करते हैं, वो यह युद्ध का युग नहीं है, सिर्फ पुतिन को नहीं बताते। अब इससे खूबसूरत डेमोक्रेसी का उदाहरण क्या होगा? और इसीलिए 24,000 करोड़ से 70,000 करोड़ यानी अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले का इन्वेस्टमेंट और उसके बाद का इन्वेस्टमेंट, आप बताइए डेमोक्रेसी और क्या होती है। और डेमोक्रेसी यानी सबसे नीचे से। अब ये वेस्टर्न मीडिया ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद खूब नैरेटिव बढ़ा, क्या इतनी स्टोरी जाए, क्या अल जजीरिया में आया क्या कि DDC के लोग कौन थे, क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा क्या कि 22 से 25 साल के लोग कैसे लाइन लगाकर वोट दे रहे थे, कैसे 25-26 साल के, ठीक 25-26 साल के लड़के लड़कियां वो DDC चुनकर आ गए, वो बाकायदा उसमें अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनको नैरेटिव सेट है, जो लंदन में जाकर रुक जाते हैं, जिनके यहाँ फॉर्म हाउस पर जाकर कश्मीर में देश के ज्यादातर पत्रकार जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बगले में श्रीनगर में गुलमर्ग में रुकते थे, उनकी दिक्कत हो गई ना, नैरेटिव नहीं मिल रहा है। वो उनके मुंह से नैरेटिव सुनते थे, वो उनके मुंह से नैरेटिव सुनते थे और उसी नैरेटिव के आधार पर भारत को कश्मीर बताते थे। मुझे लगता है कि ये एक कहें कि ऐसा विषय है कि जिसपे अलग अलग विषयों पे बहुत लंबी बात हो सकती है। और मैं तो कहूंगा कि सेगमेंट वाइज बात कीजिए। जब हम कहते हैं ना कि क्यों इस नैरेटिव से प्रॉब्लम है, दुनिया भर में भारत इस तरह से कभी देखा ही नहीं गया। हम अपने कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इन सब मामलों में वर्ल्ड लीडरशिप में है, हम पीछे नहीं है। हम सब में अगर कोई एक उदाहरण पेश करने की बात होती तो भारत का नाम आता है। और उदाहरण के साथ, और ये सब कुछ इन 8 वर्षों में बहुत मजबूत हुआ है, इसीलिए मैंने पी चिदम्बरम और मोंटेक सिंह अहलूवालिया का उदाहरण दिया, क्योंकि वो बड़ा जरूरी था समझना। और एक और छोटी सी बात, जब हम डेमोक्रेसी कहते हैं तो डेमोक्रेसी मतलब क्या, पब्लिक कैसे देखती है। पब्लिक कैसे देखती है कि भारत का प्रधानमंत्री अगर बाहर जा रहा है तो चाइनीज राष्ट्रपति से कैसे मिलता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा, देहाती औरत नहीं याद दिलाना चाहता मैं, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसको हम पन्ने गायब हो जाते थे। आप सोचिए, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट के पहले फॉरेन मिनिस्टर का पन्ना गायब हो जाता तो कुछ और पढ़ाता था। ये भी भारत का रहा है। और आज क्या होता है, डॉक्टर एस जयशंकर किसी मंच पर खड़े होते हैं तो उनके अलावा किसी और की बात हेडलाइन नहीं बनती। समरकंद में जब हम गए, उससे पहले क्या हुआ, चाइनीज आर्मी कहती है कि हम तैयार हो गए भैया, पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वैंग यी, चीन के विदेश मंत्री, भारत आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से साफ मना हो जाता है, उनको साफ साफ बताया जाता है कि जब तक सीमा विवाद में आप पीछे नहीं जाएंगे तब तक प्रधानमंत्री मिल नहीं सकते। समरकंद में शी जिनपिंग चाहते थे कि हर हाल में मुलाकात हो, और ये डेमोक्रेसी की ताकत है, क्योंकि उनको पता है कि एंडोर्समेंट अगर भारत का नहीं मिलेगा तो वेस्ट उनके खिलाफ वैसे ही खड़ा है और उनकी कोई स्थिति नहीं है। आज की तारीख में अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बुरी तरह से परेशान है चाइना। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक बड़ा वर्ग है जो बारिश कहीं छतरी कहीं, और वो पुराना वाला मसला अभी भी चलता है, इसीलिए जब समरकंद के बाद दुनिया की हेडलाइन बनी तो क्या हेडलाइन बनी, मोदी इग्नोर्स शी इन समरकंद। ये हेडलाइन है, ये हमारे डेमोक्रेसी की ताकत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अगर कहा तो वो डिलीवरी होगी। यानी सेनाएं पीछे गईं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात नहीं की, साफ साफ कहा गया ये हमारे एजेंडे में नहीं था। और ये एजेंडे में नहीं था तो कई लोग कहते हैं ना, ये अक्सर है, अनंत जी ने तो बाकायदा अमेठी पर एक पुस्तक लिखी हुई है, तो डेमोक्रेसी की बात जब करनी हो तो अमेठी जरूर घूमिए, और अभी का अमेठी और पहले का अमेठी देख के आइए। हम तो 99 वाले में भी गए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह को लगाया था और गोविंदाचार्य एक बड़ा सा रथ लेकर भी गए थे स्वदेशी में, तो वो भी उसमें हम वहाँ थे, तो उस वक्त कहीं भी जाएं तो 4 लोग मिलते नहीं, कहते थे हमारी बहू है भाई, बेटी है, इसको कैसे हरा देंगे। और वो जो बहू बेटी थी उन्होंने क्या किया, आप रायबरेली और अमेठी वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं देख सकते। ज्यादातर काम संजय गांधी के समय में आए, उसके बाद राजीव गांधी ने कोशिश तो की लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया।
गेस्ट हाउस तक वहाँ ढंग का नहीं था। आपकी स्थिति में नहीं जानता, अभी इधर मैं हाल में गया नहीं हूँ, लेकिन रायबरेली वाले रास्ते से गुजरता हूँ, दो ही चीज़ दिखती है, एक सारस का गेस्ट हाउस और दूसरा फिरोज गांधी के नाम पे एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट दाएं हाथ पे, क्योंकि हमें तो हर दूसरे चौथे उसी रास्ते से जाना होता, हमारा तो घर है ना भाई प्रयाग, तो ये हर दूसरे चौथे जाना है। तो ये भी डेमोक्रेसी नैरेटिव है, आप लोग बात करते हो तो ये भी ध्यान रखें। और इसी डेमोक्रेटिक नैरेटिव की वजह से भारत में चुनाव दर चुनाव मत प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड दुनिया में हर जगह निराशा है, हर जगह के अरे कहाँ जा रहे हैं हम, क्या करेंगे। अब वहाँ तो लोगों किसी भी तरह से आशा नहीं होती, यहाँ तो परिवार है, समाज है, संस्कृति है, सभ्यता है, अपने मंदिर हैं, विरासत है, सब कुछ हमें चमकता दिख रहा है, वहाँ सब कुछ उन्हें निराशा की तरफ ले जाता है। यही वजह है कि भारत में डेमोक्रेसी मजबूत होती है और हर बार वोट परसेंटेज बढ़ता है। आपने सुना क्या हाल के वर्षों में कि वोट परसेंटेज कभी घट गया हो, वोट परसेंटेज बढ़ता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 1989 के बाद हाईएस्ट है, सीट हाईएस्ट है, लगातार दो बार इस तरह से क्लियर कट मेजोरिटी कभी किसी को देश में अपने नाम पर मिली नहीं। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो तो भरोसा उस कांग्रेस पार्टी का था जिसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उसमें कौन नहीं था। अभी बार बार नैरेटिव करते हैं, उसमें मैं कभी फिर लंबी बात करूंगा कि उसमें कौन नहीं था, और फिर क्यों अलग अलग बातें करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं वो वाली कांग्रेस। अरे भैया कुछ नहीं तो 32 बार तो कम से कम कांग्रेस टूट चुकी है, और ये तो कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस इंदिरा थी जिसको आगे किया गया, जो पूरी की पूरी पार्टियां तोड़ने के लिए कुख्यात थी। और अभी शशि जी ने उसको एक लाइन में कहा, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि अनिर्बान जी तो चाहेंगे कि आज ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए, बावजूद इसके राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। जबकि सच है, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे बहुत फोन आते हैं, क्योंकि जो एक नया काम जिसको अनिर्बान जी ने कहा कि यूट्यूबर भी हैं, तो बंगाल से लोग फोन करते हैं, और एक समय में तो इतनी पीड़ा में लोग फोन करते थे कि अरे कोई सुनने वाला नहीं है। आप सोचिए क्या देश में कभी हुआ क्या किसी राज्य के लोगों को निकल कर जाना पड़ा, वहां डेमोक्रेसी डेंजर में थी, कितने लोगों ने रिपोर्ट किया। अभी जो दंगे हुए मोमिनपुर में, खिदिरपुर में, इकबालपुर में, क्या हुआ, कितने लोगों ने रिपोर्ट किया। मुझे लगता है ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, उस नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में मैं वेस्टर्न मीडिया के बायस को बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ध्यान ही नहीं देता, वो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन जो हमारा अपना मीडिया है जो खुद बायस करता है, वेस्टर्न मीडिया के बायस के आधार पर यहाँ नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करता है, और उसमें अवार्ड्स, उसमें इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, और वो तब रिपोर्ट नहीं मानेंगे जब कहेंगे कि भैया मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में 70% प्लस रहने वाले लगातार कोई एक अगर नेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब कहते अरे नहीं नहीं ऐसे तो कोई भी रिपोर्ट कर देता है, ऐसे तो कोई भी एजेंसी चला लेता है। लेकिन अगर कोई छोटी सी भी रिपोर्ट भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ आ जाए तो तुरंत उसको कहते हैं कि अरे इससे बड़ा क्या होगा। अब उनसे पूछो भैया अल्पसंख्यक हैं डेमोक्रेसी में, बताओ कौन सी स्कीम है इस गवर्नमेंट की जो मुसलमानों को अलग देखती हो, हिंदू को अलग देखती हो, नाम रख के कोई स्कीम आई हो तो बता दीजिए, नहीं मिलेगी आपको। और मुझे लगता है कि इस तरह से जो नैरेटिव है वो हम सबको गढ़ना पड़ेगा। एक आखिरी बात कह के खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा ज्यादा लंबा बोल गया, वो विषय कई आ गए थे। तो राजस्थान, कई बार कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़ ले रही है, देखिए इसको कर लिया उसको कर लिया, पूरी की पूरी पार्टी अशोक गहलोत खा गए, बहुजन समाज पार्टी 6 विधायक थे, पार्टी रह नहीं गई। और उससे भी ज्यादा खतरनाक, मान लिया कि वो सब अपने मन से गए, डेमोक्रेसी में आप किसी को रोक नहीं सकते, कोई विधायक है तो, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल रिफॉर्म में ये होना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म में, कि अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसको फिर से चुनकर आना चाहिए, ये बहुत जरूरी। लेकिन सचिन पायलट उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, उनका एक बयान है, और सोचिए कि कितना खतरनाक होता है डेमोक्रेसी को ये लोग कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा अगर ये हमारी पार्टी में आ गए, सरकार के साथ हैं, तो इनके विधानसभा क्षेत्र में काम बढ़िया से होगा। उन कांग्रेस के डेमोक्रेसी को देखने का तरीका ये है, इसलिए न तो वो डायलॉग करते हैं, और जब डायलॉग नहीं करेंगे तो डिलीवरी के लिए क्या क्या है वो तो उनको पता ही नहीं है, वो सब कुछ यहाँ से तय करते हैं। और दूसरी तरफ नवीन पटनायक की सत्ता पलटने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन जब वहाँ आपदा आती है तो नवीन पटनायक कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस राज्य को आगे बढ़ाने।
आप डेवलपमेंट के साथ कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं या डेवलपमेंट को आगे उसके रोड़ा लगाकर, यही है वंदे भारत चलाना चाहते हैं या वंदे भारत किसी दिन लड़ गई तो उसका वो टूटा हुआ हिस्सा दिखाकर नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, बस इतना ही। धन्यवाद।